करना सही तो उसने करी गई। ट्रैवल बाय रोड का अपना मजा है। अगर आपने दमाम टू दोहा ट्रैवल करना हो, सऊदी अरेबिया टू कतार, वी डेफिनेटली प्रेफर टू ट्रैवल बाय रोड। वीज़ा ऑन अराइवल का बहुत कन्फ्यूजन था। सम सेड वीज़ा शुड ओनली बी इशूड थ्रू हया और होटल बुकिंग होनी चाहिए डिस्कवरी कतर के थ्रू, बट हमारे पास दोनों ही नहीं थे। होटल डिस्कवरी कतार पे हमारी डेट्स पे अवेलेबल नहीं था और हया हमने कभी बनाया नहीं। घर से चल पड़े इस होप में कि ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा तो मिला बट नॉट फॉर फ्री। वी हैड टू पे 100 कतारी रियाल फॉर ईच पर्सन। बट ये कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो गया कि विदाउट हया भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाए। एज सून एज यू एंटर कतार, वहाँ पे एक गैस स्टेशन है राउंड अबाउट के फौरन बाद, और गैस स्टेशन पे है कड़क मकानीस। यस, दे हैव अ वैरायटी ऑफ टी, कॉफी, पराठा एंड चपाती रोल्स। बिलीव मी, दे आर अमेजिंग। ये पाकिस्तानी भाई हमें यहाँ लास्ट टाइम भी मिले थे। वेरी हम्बल एंड काइंड पर्सन। हमारे सैंडविचेस रेडी थे और अब टाइम था पेट में जल्दी भूख की ज्वाला को मिटाने का, और पेप्सी से बेहतर तन मन की ज्वाला कोई नहीं बुझाता। ये दिखने में बारीक सा पराठा खाने में बहुत बहुत मजेदार है, स्पेशली जब भूख से पेट में चूहे भंगड़ा डाल रहे हो। लेट्स ईट समथिंग एंड मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हमारा सफर फिर से स्टार्ट हुआ दोहा हमारे होटल की तरफ। दिन पूरी तरह से निकल चुका था और धूप की शिद्दत जवान थी, और हमारे सामने द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दोहा अपना घूंघट उठा रहा था। दोहा इज अ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, सी फॉर योरसेल्फ। हाय, वेलकम टू दोहा। Hope you like your staying with us. It's City Center Rotana. सिटी सेंटर रोटाना में हमारा वेलकम एक डिलीशियस ड्रिंक से किया गया। एक ठंडे घूंट ने सारे सफर की थकावट चुटकियों में गायब कर दी। अगर डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल हो तो आपकी सारी थकावट वहां पहुंचते ही उतर जाती है। वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर स्टे इन दोहा कतार। और ये रहा हमारा रूम, 14th फ्लोर पे, रूम 1401। लेट्स शो यू अराउंड आवर रूम इन सिटी सेंटर रोटाना दोहा।
हमारे रूम में दो ग्लास वॉल्स थी. वन वॉज विद द ओशन व्यू एंड द अदर वन वॉज विद द सिटी व्यू. एंड द व्यू फ्रॉम बोथ ऑफ दिस विंडोज वर अमेजिंगली ऑसम. सी फॉर योरसेल्फ. We ordered lunch and rested. Next plan was to go to the cinema. Rotana Hotel Doha City Center से connected है. And believe me, it makes your life very easy. चाहे food हो, grocery, entertainment, सब walking distance पे आपको easily available होता है. Especially when you're traveling with the young ones. Let's show you around. ईद का मौका हो और सलमान खान की न्यू मूवी रिलीज हुई हो तो सिनेमा के पैसे वैसे ही पूरे हो जाते हैं. अब मूवी देखनी है तो पॉपकॉर्न तो जरूरी है, सॉल्टी प्लस कैरमल. साथ में अगर ठंडी पेप्सी का साथ मिल जाए तो मूवी को चार चांद लग जाते हैं. और जब मूवी में सलमान खान की एंट्री होती है तो सिनेमा का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है. और जब सलमान खान की शर्ट उतरती है तो सिनेमा का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है. गोश्त का कीमा बना दिया और हड्डियों का चूरण, फिर भी सड़ा खड़ा है. जब शरीर, दिल और दिमाग मुझसे कहते हैं बस भाई, नो मोर, तब मैं कहता हूं ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन. और जब पूरी उतर जाए तब तो बस. बहुत थक चुके हैं, अब बस घर जाके खाना ऑर्डर करेंगे और रेस्ट करेंगे. खाने के साथ हमने जहां नॉर्मल चीज ऑर्डर की वहां बहुत ही इंटरेस्टिंग बांग्लादेशी डिश ऑर्डर की, जो कि देखने में इंस्टेंट नूडल लग रही थी लेकिन खाने में बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी. मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन अगर आपको इसका नाम पता हो तो कॉमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. इट वॉज सो स्पाइसी एंड क्रिस्पी, लव्ड इट. पहला दिन फिनिश एंड टुमारो वी हैव लॉट्स ऑफ फन टू डू, सो वी हैव टू रेस्ट फॉर दैट. इस सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. हैव फन.